2600 साल पुराना ओल्ड सिल्वर कॉइन है जो कि खंडेला के लिए बनाया गया था। अंग्रेजों के जमाने की शेविंग किट है। तो ये थी वो मैन एंट्रेंस गेट जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया। ये महाभारत काल के सिक्के हैं। खंडेला का रेफरेंस आपको महाभारत पीरियड में मिलेगा। तो दिखा दें आपको द कैस्टल खंडेला। Good morning everyone. So this is your dost Gaurav Soni from Madness for Ride. और अभी हम लोग हैं एक बहुत अच्छी जगह पर जिसका नाम है कैस्टल खंडेला। ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी घुमा चुका हूँ हमारे पिछले व्लॉग्स में, लाइक चुमू पैलेस और सामोद पैलेस। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था जो कि बहुत छुपा हुआ है, बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं और जो आते हैं वो एंजॉय करके जाते हैं। प्लस ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये एक निजी संपत्ति है, रायसल महाराज की प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली खंडेला जो है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक खूबसूरत लोकेशन है। और कह रहे हैं कि ये जयपुर से बहुत पुरानी रियासत थी, तो उसी को नज़र रखते हुए हम लोगों ने हमारी चौथी एनिवर्सरी को यहाँ सेलिब्रेट किया है। और मैं आप लोगों को एक वॉक अराउंड देना चाहूँगा प्रॉपर्टी का और थोड़ा सा विस्तार में चीज़ों को दिखाना चाहूँगा। तो लेके चलते हैं आपको एक क्विक इनसाइड व्यू के लिए और दिखाते हैं आपको द कैस्टल खंडेला। जैसा मैंने बताया कि एक निजी संपत्ति है डॉक्टर रायसल सिंह, तो जो कि यहाँ के करंट अभी महाराज हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है। और ये है मेन एंट्रेंस, और अगर मेन एंट्रेंस से आप आएंगे तो आपको दिखेंगी इस तरह की कुछ लोकेशन, ये पुराना गेट, और सामने देखेंगे आपको इनका खुद का चलाया गया हॉस्पिटल जो कि डॉक्टर साहब पिछले 50 सालों से चला रहे हैं और यहाँ के गांव के लोगों को मुफ्त में दवाएं पिछले 50 साल से दे रहे हैं। तो मैं पिछली बार भी जब आया था यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की थी। तो ये है पुराना किला जो कि रेनोवेट इन्होंने नहीं करवाया है कुछ, और वहाँ लगी हैं हमारी बाइक्स और हमारी कार्स। देन अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको रिनोवेटिव प्रॉपर्टी में जो कि इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है एक लग्जरी ब्यूटिक में, एक होटल में। तो ये है मेन एंट्रेंस गेट जहाँ से हम लोग अंदर जाने वाले हैं। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे आपको दिखेगा कुछ इस तरह का रिसेप्शन, और यहाँ पे दिखेंगे कुछ आपको पुराने महाराजाओं की तस्वीरें। इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे सीधे और आपको दिखेगा कुछ इस तरह का नज़ारा। तो यकीन मानिएगा आप जब मॉर्निंग में उठेंगे इस तरह के नज़ारे को अगर आप देखेंगे एक छोटे से लॉन में तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये थी वो मैन एंट्रेंस गेट जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया। देन ये जो स्टेयर्स हैं ये है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए। और सामने अगर आप देखेंगे तो वो है डाइनिंग एरिया जहाँ पे हम लोगों ने रात को डिनर किया था। और ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। और ये है लॉबी एरिया, जब आप आएंगे यहाँ पे तो आपको कुछ इस तरह का लॉबी मिलेगा।
और बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने रीस्टोर कर रखी हैं, बहुत सारी चीज़ों को वैसा ही रखा है जैसे कि चीज़ें होनी चाहिए। तो कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब का ही कॉइन कलेक्शन, पुराने से पुराने सिक्कों का कलेक्शन डॉक्टर साहब ने यहाँ पे किया हुआ है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा, 2600 साल पुराना ओल्ड सिल्वर कॉइन है जो कि खंडेला के लिए बनाया गया था, और ये भगवान राम ने, जब भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जी गए थे वनवास के लिए। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स भी आपको इसमें दिख जाएगी। और अगर आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, 1950 से 2000 के बीच के बने सिक्के, ये स्पेशल एडिशन वाले सिक्के। खैर ये तो सारे सबने देखे होंगे, मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ पुराने सिक्कों के लिए, आप पहचाने कि क्या आपने कभी देखे हैं। मेरे ख्याल से नहीं देखे होंगे, ये महाभारत काल के सिक्के हैं। इधर भी देखें आप लोग, इधर भी आप लोगों को कुछ पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप में से कितने लोग ये जानते हैं, इसको कहते हैं ताम्र लेक, जो कि पुरातन काल में चलता था, और लैंग्वेज मुझे जहाँ तक लगता है ये संस्कृत होनी चाहिए, और संस्कृत नहीं है तो आई डोंट नो कि मुझे पता होगा। ये मुझे नहीं पता क्या है, बट जो भी है बहुत पुराना है। इसमें लिखा है BCIF आगरा, आई गेस अंग्रेजों के ज़माने की चीज़ें हैं ये। कर लो जिन जिन को शेविंग करनी है। ये अंग्रेजों के ज़माने की शेविंग किट है। वेलकम बैक टू मैडनेस फॉर राइड। तो भैया लोगों, जैसा हम लोगों ने कहा था कि आज है हमारा एनिवर्सरी स्पेशल, और हम लोग आए हैं कैस्टल खंडेला, जो कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, और जहाँ पे आप लोगों को आज हम लोग दिखाने वाले हैं ऐसी ऐसे नज़ारे कि आप लोग कहेंगे कि भाई वाह, ये होती है मैडनेस, ये होती है राइड। तो आप जो मेरे पीछे अभी देख पा रहे हैं, जो आर्किटेक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली एक महल हुआ करता था रियासत का, जिस रियासत का नाम है खंडेला। और अभी मैं आपको मेरे थ्रू आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैस्टल खंडेला। पहले दिखाएंगे इसका काल। तो जो आप लोग देख पा रहे हैं अभी, ये बहुत पुराना महल है, जैसा कि आप लोग आर्किटेक्चर से पहचान जाएंगे, पुराने महल, पुराना आर्किटेक्चर, और वही स्वरूप इसका रखा गया है जो कि पहले था। पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे हैं बहुत सारे पहाड़, और जैसे ही हम लोग इस पार्ट पे आए तो ये रिनोवेटेड एरिया है, और यहाँ से आपको दिखेगा ब्यूटीफुल वाला व्यू। और क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, बादल आए हैं घनघोर, और राइडर्स भी आए हैं हमारे साथ में घनघोर, तो ये घनघोर वाले राइडर हमारे आए हैं नेल्सन पाजी जालंधर से सीधे। नहीं नहीं, पंजाब बरनाला, चलो आता हूँ रुको। तो जैसा मैं आप लोगों को अभी बता रहा था महल के बारे में, और हमारे साथ में है अभी शत्रुंजय सिंह बना, जो कि ही जाइनस है हमारे। तो बना, थोड़ा सा आप बताएं महल के बारे में हमारे व्यूवर्स को। सी, ये करीब 150 साल पुरानी हिस्ट्री रखता है, एंड मेरे फोरफादर्स का ही बनाया हुआ है करीब 23 पीढ़ी पहले, 23 जनरेशंस बैक। उसके बाद मेरे फादर ने इसको आज से 12 साल पहले होटल में कन्वर्ट कर दिया, तब तक एज अ रेजिडेंस हम लोग यहीं रहते थे, अब एक बुटीक, लग्जरी बुटीक होटल के तरह इसको चला रहे हैं। तो हुकुम, जैसा कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया कि ये जयपुर से पुरानी रियासत थी, हाँ, तो आप भी व्यूवर्स को बताएं कि एक बार कि कितनी पुरानी है जयपुर से। खंडेला का रेफरेंस आपको महाभारत पीरियड में मिलेगा।
इवन महाभारत में एक स्टेटमेंट में आया है, लिखा हुआ है खंडेला के बारे में एज खंडेल सर, क्योंकि एक कहानी प्रचलित है कि जब महाभारत खत्म हो गई तो बार्बरिक ने कृष्ण भगवान से पूछा कि अब मेरा क्या होगा, तो कृष्ण भगवान ने उसको बार्बरिक को यह आशीर्वाद दिया कि तुम जाके खाटू में रहो, वहां तुम्हारा कलयुग में मेरे नाम से पूजा होगी। और खाटू उस समय खंडेला के नीचे था, अच्छा। अंडर खंडेला था। तो कृष्ण जी ने यह उस स्टेटमेंट में ही कहा है कि खंडेल सर का राजा जो है वो मेरा भक्त रहेगा और वो तुम्हारी सेवा करेगा। क्या बात है। तो खंडेला तब से बसा हुआ है, पहले इसका नाम खंडेला, ये जो आप देख रहे हो अभी दिखाया गौरव ने आपको, इससे इन पहाड़ों के पीछे एक और बस्ती थी, खंडेला वहां था। फिर ये मुगल्स के टाइम पे इसमें मंदिरों की वजह से यहाँ पे जो भी हुआ उसके बाद खंडेला यहाँ दोबारा बसा। पहले यहाँ साठियावास था, साठियावास था वो, फिर औरंगजेब ने तोड़ा यहाँ पे मंदिरों को। तो हुकुम जैसे आपने बताया कि ये सारा डिस्ट्रॉय किया गया, उसके बाद में मेरे ख्याल से उसी के बाद में जो राजा थे खंडेला के, जो पूर्वज थे आपके, उन लोगों ने सोचा होगा कि अपन इस रियासत को दोबारा बसाएं, तो ये यहाँ शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पे जो मेरे 23 पीढ़ी पहले जो पूर्वज थे राजा रायसल जी, उन्होंने वो अकबर की सेना में सेनापति थे, उन्होंने अकबर को किसी लड़ाई में मरने से बचाया था। अकबर ने उनको ये बोला कि आप डंके पे चोट मारो, जितने चोट मारोगे उतने परगने आपके। तो राजा रायसल जी ने 32 चोट मारी तो 32 परगने उनको मिले। अच्छा, तो 32 परगनों का मतलब हो गया आप समझिए जयपुर आमेर से भी बड़ा, तो इतना बड़ा था खंडेला। वाह, जैसा कि हुकुम मैं देख ही पा रहा हूँ कि चारों तरफ से जो लोकेशन है, आप अगर व्यूवर्स भी देखेंगे तो चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, क्योंकि अभी देखिए खनन बहुत हो गया है, पहाड़ काट करके नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, एज यू कैन सी ओवर देयर कि वहाँ पे भी पहाड़ काटे जा रहे हैं, माइनिंग चालू है, तो लगभग इस एरिया से पूरे पहाड़ गायब हो चुके हैं। बट जो ब्यूटी है यहाँ की खंडेला की, वो मेरे माध्यम से मैं आप लोगों को अभी दिखा पा रहा हूँ। सामने अगर आप देखेंगे उस पहाड़ पे भी एक मंदिर है जो कि बालाजी का है, अगर आप सामने देखेंगे तो भी एक मंदिर है, और जैसा हुक्म ने बताया कि वो सामने भी एक पुराना महल हुआ करता था बड़े भाइयों का, और जहां मैं अभी खड़ा हूँ वो है छोटे भाइयों का महल। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर्टी को और एनिवर्सरी राइड कंटिन्यू रहेगी। ब्लॉग अभी पॉज करते हैं और चलते हैं, रेडी होते हैं और आपको नई लोकेशन के लिए लेके चलते हैं। तो भैया लोगों, ये है बावड़ी जहाँ पे बना हमें लेकर आए हैं, और सुबह से जिसकी बातें चल रही थी, तो आप देख सकते हैं कि कितनी डीप है, मैं खुद आगे नहीं जा रहा हूँ बट यू कैन सी दिस, और अंदर भी बर्ड्स बैठे हैं, और बना बता रहे हैं कि ये लगभग 50 मीटर डीप डाउन और है। और ये देखें अगर आप सामने रंग बिरंगी चिड़िया, और सामने अगर आप देखेंगे तो शाम हो चली है, बादल आ गए हैं। डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज मैडनेस फॉर राइड। तो मैडनेस यूं ही चलती रहेगी, आप लोगों से यूं ही नई नई जगह के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा, और जल्दी मिलेंगे आप लोगों से चलते चलते। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।